ये फीलिंग तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं एज ए कोच 2012 में भी मैं मेन कोच था अंडर 19 का, उसके बाद मैं 13 भी अंडर 23 के साथ कोचिंग किया हूँ, उसके बाद मैं सिलेक्टर था, फिर से मेरे को लास्ट ईयर से फिर अंडर 19 का बॉलिंग कोच हिसाब से मेरे को चुना गया, जो कि लास्ट ईयर तो कोविड के कारण कुछ हो नहीं सका, तो इस साल होप करते हैं कि हो जाएगा, क्योंकि BCCI सब अपना शेड्यूल निकाल चुका है। और वासिम जाफर का बात करें, वो एक तो बहुत अच्छा मूवमेंट है, मतलब इनिशियली बहुत अच्छा चीज़ लिया गया है उड़ीसा की तरफ से, उसके उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और शायद हमारे उड़ीसा को भी बहुत फ़ायदा होगा और ये बेटर होगा। और सेकंड थिंग, जो अभी हमारे साथ जो नया नया सब एकेडमी सब बन रहा है, जैसे लास्ट कुछ दिन पहले 15 एकेडमीज हम लोग चालू किए OCA की तरफ से, जो ग्रास रूट क्रिकेट निकालने के लिए, अगर वो सब चलते रहेगा तो इन फ्यूचर क्रिकेट उड़ीसा का बहुत ही अच्छा रास्ते पे है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सब उस हिसाब से चले। और मतलब क्रिकेट अभी जो चीज़ जा रहा है, क्रिकेट बहुत अच्छा रास्ता पे है, जस्ट अभी हम लोग बच्चों को परफॉर्म कैसे कराना वो देखें, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल और बच्चों में जो आपका ये स्किल लेवल में उतना कुछ वेरीफाई नहीं है, बस हम लोग को थोड़ा एक्सपोजर का कम है, हम लोग मैचेस बच्चों को जो इंटरस्टेट मैचेस होता है बच्चों को थोड़ा मैचेस देना है, वो हम लोगों का थोड़ा सा कम है, इन फ्यूचर वो भी ध्यान दिया जा रहा है, वो चीज़ अगर हो जाएगा तो वो भी बहुत अच्छा चीज़ में आ जाएगा, जूनियर क्रिकेट वो भी लाइन पे आ जाएगा।